वेलकम बैक गाइस। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई और यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन यूज करते होंगे और गाइस आप इस तरीके से क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पेमेंट करते होंगे। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि इस क्यूआर कोड से आपके साथ बहुत बड़ा वाला फ्रॉड किया जा सकता है? What? इससे गाइस आपके स्मार्टफोन में वायरस इंस्टॉल हो सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है, इवन गाइस आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल ही सही सुना, इसीलिए आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे गाइस ये स्कैम वर्क करता है और हम ये भी देखने वाले हैं कि आप इससे कैसे बच के रह सकते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन एंड यू आर वॉचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइस देखो, क्यूआर कोड को हम कहते हैं क्विक रिस्पांस कोड और गाइस इस टाइप के क्यूआर कोड के अंदर लिखी होती है एक यूपीआई आईडी। और गाइस फिर आप जब अपने स्मार्टफोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो गाइस वहां पे स्मार्टफोन को फटाक से वो यूपीआई आईडी पता चल जाती है और गाइस इससे फिर आपको मैन्युअली यूपीआई आईडी टाइप करके नहीं डालनी पड़ती और गाइस फिर यहां पे आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होता है। अच्छा, लेकिन गाइस जहां पे टाइम बचने लगे वहीं पर स्कैमर्स फायदा उठाते हैं, क्योंकि गाइस यहां पर स्कैमर्स दो अलग अलग सिनेरियोज में फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस सिनेरियो नंबर वन ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई अपना एक ओल्ड स्मार्टफोन बेचने के लिए लगाया है अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाइक कैसीफाई वगैरह वगैरह, और गाइस इसके बाद सपोज कीजिए जैसे आपने उसे 9,000 रुपए में बेचने के लिए लगाया है, तो गाइस इसके बाद आपको अलग अलग क्वेरीज मिलना शुरू हो जाएंगी और गाइस यहाँ पर जो ट्रस्टेड या जो जेन्युइन वायर्स हैं वो तो गाइस आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे और गाइस वो 7,000 या 8,000 रुपए का ऑफर देंगे। लेकिन गाइस जो नॉन ट्रस्टेड या फेक या स्कैमर्स जो हैं वो गाइस आपके साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे और गाइस आपने जितना अमाउंट बताया है उस पर वो तुरंत ही राजी हो जाएंगे, समझ रहे हो, और गाइस फिर आपसे वो कांटेक्ट करेंगे चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन और उसके बाद गाइस वो आपको देंगे क्यूआर कोड और गाइस इसी क्यूआर कोड से मेन स्कैम शुरू होता है, जहां पर गाइस वो ये कहेंगे कि आप जो है इसमें स्कैन कर लीजिए और गाइस यहां पे 9,000 रुपए भर के और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो गाइज आप कहते हैं ऐसा ही सेम काम करते हैं और गाइज उसके बाद आप वहां पे यूपीआई पिन डाल देते हैं और उसके बाद गाइज आप समझ लीजिए वो आपके जो 9,000 रुपए का अमाउंट था वो तो गाइज आपके बैंक अकाउंट से गया प्लस गाइज आपका स्मार्टफोन भी गया। जी हाँ गाइस, आप सोच रहे थे कि आपको पैसे मिलेंगे लेकिन उल्टा आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, प्लस गाइस ये तो आपने कहा वैसा ही सेम काम कर दिया जैसे आप किसी शॉप पर जाके वहां क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, जहां पर गाइस पेमेंट सामने वाले या दुकानदार को मिल जाता है, तो वैसा ही आपने कहा यहां पर सेम काम किया है। इसीलिए गाइस ये काफी ज्यादा बड़ा वाला स्कैम है जिसमें गाइस पहले से ही ऑलरेडी काफी एक लोग फंस चुके हैं, समझ रहे हो। मूविंग ऑन गाइस दूसरे सिनेरियो पर, जहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पे क्या है कि ऐसे क्यूआर कोड लगे होते हैं जिन्हें गाइस स्कैन करके आप मीनू वगैरह देख सकते हैं, लेकिन भैया यहां पर क्योंकि वो क्यूआर कोड लगा है एक पब्लिक प्लेस में, इसीलिए मान लीजिए वहां पे कोई स्कैमर आया हो जिसने उस क्यूआर कोड को मैनिपुलेट कर दिया हो, यानी कि गाइस उसके ऊपर कोई दूसरा अपना क्यूआर कोड चिपका दिया हो जिसके अंदर गाइस कोई काफी ज्यादा डेंजरस वेबसाइट की लिंक या कोई डेंजरस एप्लीकेशन की लिंक वगैरह वगैरह हो, और गाइस इसके बाद क्या है कि जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो गाइस उसके बाद वो आप सोचेंगे कि ये उस रेस्टोरेंट का ऐप है, तो गाइस आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन वो रियलिटी में था एक वायरस और एक बार आपने उसे इंस्टॉल किया नहीं, समझ लीजिए आपके डिवाइस से पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हाँ गाइज, इसीलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक वाला स्कैम बन जाता है इस सिनेरियो में भी, जहां पर गाइज क्यूआर कोड के अंदर काफी ज्यादा डेंजरस लिंक वगैरह छुपी हो सकती हैं। तो गाइज ये दोनों सिनेरियोज एकदम क्लियर एग्जांपल हैं क्यूआर कोड स्कैम के, और साथ ही में गाइज अब अगर हम बात करें कि आप कैसे इस क्यूआर कोड स्कैम से बच सकते हैं, तो देखो जो नंबर वन बात है वो गाइज ये है कि आप जिस भी क्यूआर कोड को स्कैन करें उसे गाइज आप पहले फिजिकली देख लें। जी हाँ गाइज, आप उसको पहले ही देख लें, पहले ही चेक कर लें कि उसके ऊपर कोई दूसरे क्यूआर कोड का स्टिकर वगैरह तो नहीं चिपका है, तो गाइज वहां से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सकता है। सेकंड बात है इसकी गाइज जो है, जब आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं जैसे अपने डिफॉल्ट जो डिवाइस का कैमरा एप्लीकेशन है
उससे। तो गाइस वहां पे क्या है कि आपको पहले वो लिंक प्रीव्यू होती है और उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करते हैं तभी गाइस वो लिंक ओपन होती है। तो गाइस आप जहां पे लिंक प्रीव्यू हो रही है वहां पे गाइस आप उस लिंक को मिला सकते हैं कि गाइस वो कोई डेंजरस लिंक तो नहीं है। थर्ड बात इस की गाइस जैसे आप कोई कभी पेमेंट को रिसीव कर रहे हो यूपीआई के माध्यम से तो वहां पे आपको कोई यूपीआई पिन के बारे में तो सोचना ही नहीं है, वहां पे गाइस आपको कोई भी यूपीआई पिन की जरूरत ही नहीं है। और गाइस आपको कहीं पर अगर पेमेंट रिसीव करते समय यूपीआई पिन डालना पड़ रहा है इसका मतलब गाइस आप रिसीव नहीं कर रहे, आप उल्टा पेमेंट सेंड करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, इसीलिए आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। अच्छा, साथ ही में अंतिम बात यह है कि जैसे आप किसी को यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भेजते हैं तो गाइस वहां पे आप उसकी आइडेंटिटी को जरूर मिला ले। ठीक है जी हाँ गाइस, जैसे वहां पे नाम पहले से ही पता चल जाता है तो गाइस आप नाम को मैच कर सकते हैं। तो गाइस इससे वहां पे क्या होगा कि अगर किसी ने उस क्यूआर कोड के साथ मैनिपुलेशन किया होगा तो गाइस वो वहां पे पकड़ में आ जाएगा। ठीक है समझ गया। तो गाइज इन चारों बातों का ध्यान रख के आप इस स्कैम से बच के रह सकते हैं। वैसे गाइज इन दिनों ये क्यूआर कोड स्कैम काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसमें काफी ज्यादा लोग भी फंस चुके हैं। तो गाइज आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जिससे कि गाइज वो इस स्कैम में ना फंसे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और साथ ही में गाइज इस वीडियो पे लाइक तो बनता ही है। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।